Hello all of you. So today in the series of class 12th business studies, we are starting with chapter number 5, that is organizing. This is the first lecture video in which we will be studying the meaning of organizing. Before starting that, let me tell you an approximate weightage of this chapter in the board examination is of 5 marks, and the topics that will be covered इन दिस चैप्टर आर मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो कि हम आज की वीडियो में समझेंगे. आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड द लास्ट वन दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूडिंग द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन. इफ यू रिमेंबर वी हैड स्टडीड दिस एज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में पहले हम इसको समझते हैं और उसके बाद में जो यहाँ पे लिखा है उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा. आप सबको याद है कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में 5 स्टेप्स होते हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. टोटल 5 स्टेप्स हैं. इन दैट वन ऑर्गेनाइजिंग इज़ द सेकेंड फंक्शन दैट हैव टू बी परफॉर्म बाई एवरी मैनेजर इन द मैनेजमेंट प्रोसेस. जब हमने प्लानिंग फंक्शन में प्लान्स सेट कर लिए, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स सेट कर लिए, अब बात यह थी कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम जो भी कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम जो भी कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे, अरेंजमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, मटेरियल, मशीनरी एट्सेट्रा, इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. काम तो सब करते हैं हम, जो भी, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आर फैमिलीज हैं, इन सब में वर्क तो सब करते हैं. लेकिन कुछ लोग उस काम को सिंपल तरीके से करते हैं और कुछ लोग उस काम को ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड वे में करते हैं. तो जहाँ पे हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में तो सिंपल सी समझने की बात है, वर्क को सिंपल तरीके से नहीं बल्कि वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जाए. तो यही होता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मैंने क्या सिंपल वर्ड्स में आपको मीनिंग बताया कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी कुछ अरेंजमेंट्स हम करेंगे उन्हें हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में काउंट कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे मीनिंग में क्या लिखा है और इसे आप अपने चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख लें और चाहे तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज द नोट्स. ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अब इसी डेफिनेशन को हम कुछ पार्ट्स में स्प्लिट करके समझते हैं. ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस. सो जैसे मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है, जैसे प्लानिंग का एक प्रोसेस हमने पढ़ा 7 स्टेप्स का, इसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग भी एक प्रोसेस है. टोटल 4 स्टेप्स का प्रोसेस है जिसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है. बात ये आती है कि इस प्रोसेस में हमें करना क्या है. सो ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, इनिशिएट्स यानी कि उस काम को बूस्टअप करता है, उस काम को स्टार्ट करता है. ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जो स्टार्ट करता है. क्या स्टार्ट करता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स. प्लान्स हमने कब सेट किए थे? इन द फर्स्ट फंक्शन, इन द प्लानिंग फंक्शन हमने जो प्लान्स सेट किए थे उन प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है? उन प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में. सो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स. प्लान्स बना नहीं रहे यहाँ पे, जो प्लान्स हमने प्लानिंग स्टेप में बना लिए थे, प्लानिंग फंक्शन में बना लिए थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. और इम्प्लीमेंटेशन भी ना करके बल्कि उनके इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट कर रहे हैं. इट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स. अब कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है? बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स.
ये तो हमें समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स को स्टार्ट करता है, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स को इनिशिएट करता है, यानी कि स्टार्ट करता है। अब कैसे वो स्टार्ट करता है, कैसे ये प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट होते हैं, सो इट इज़ बाई क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स। क्लैरिफाइंग जॉब्स का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन जो काम कर रहा है उसका क्या जॉब प्रोफाइल है, उसकी क्या जॉब पोजीशन है, वेदर ही इज़ वर्किंग एज अ पियन और एज अ क्लर्क और एज अ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और एज अ सुपरवाइजर और एज अ मैनेजर और एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका क्या जॉब पोजीशन है। क्लैरिफाइंग द जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स, अब उनकी जो डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं उनके बीच में वर्किंग रिलेशनशिप कैसा है। वर्किंग रिलेशनशिप का मीनिंग है इन जॉब पोजीशंस में सुपीरियर कौन होगा, सबॉर्डिनेट कौन होगा, कौन किसे ऑर्डर देगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा, ये होता है वर्किंग रिलेशनशिप्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियस बात है कुछ सीनियर भी होते हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सभी एक सेम लेवल पे वर्क करेंगे। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसके अंडर में जनरल मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर के अंडर में ब्रांच मैनेजर होगा, ब्रांच मैनेजर के अंडर में क्लरिकल स्टाफ होगा। सो देर आर डिफरेंट हायरार्कियल ऑर्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, हाउ बाय बाय क्लेरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स। नाउ फर्दर हाउ दीज वर्किंग रिलेशनशिप्स आर क्लेरिफाइड एंड हाउ द जॉब्स आर क्लेरिफाइड फर्दर एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज। सबसे पहला ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस, क्या करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान को स्टार्ट करता है। कैसे, एक तो जॉब्स को क्लेरिफाई करके, उनके वर्किंग रिलेशनशिप्स को क्लेरिफाई करके, दूसरा इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज। डिप्लॉइंग रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज को पर्टिकुलर यूज़ में अलोकेट करना। डिप्लॉइंग द रिसोर्स मीन्स टू पुट द रिसोर्स ओवर यूज़। हम रिसोर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, रिसोर्स में आता है मनी रिसोर्स दैट इज़ फाइनेंस, मशीनरीज दैट इज़ कैपिटल रिसोर्सेज और द फिक्स्ड एसेट्स, मैन मनी एंड मटेरियल जो होता है वो होते हैं आपके रिसोर्सेज में। उन रिसोर्सेज को हमें किस तरह से यूज़ करना है या किस यूज़ में लेना है वो आता है डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजिंग में ही हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह से इन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करेंगे, सिंपली नहीं बल्कि वी विल यूज़, वी विल डिप्लॉय दीज रिसोर्सेज एज इन एन इफेक्टिव मैनर। सो ऑर्गेनाइजिंग में क्या था, ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड बाय इफेक्टिवली डिप्लॉइंग द रिसोर्सेज। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, जो भी हमने प्लान सेट किए हैं उनके अटेनमेंट के लिए जो भी हम अरेंजमेंट्स करते हैं, प्लान्स के अटेनमेंट के लिए जो अरेंजमेंट्स हम करते हैं उसी को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो हमने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए, सबसे पहले हमने जॉब क्लेरिफिकेशन किया, उनके वर्किंग रिलेशनशिप्स को बताया कि कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है, और अब हमने जो रिसोर्सेज हमारे पास में थे उनको इफेक्टिव तरीके से यूज़ में लिया। एंड वाई वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स, ऑब्वियसली फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वाई वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स for the attainment of organizational goals. So this is the definition of organizing, that is organizing can be defined as a process that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for attainment of organizational goals. Agar do words aap yahan pe mainly yaad rakh lenge, first one is clarifying jobs and working relationships and second one is effectively deploying the resources. अगर ये दो वर्ड्स आप याद रख लेंगे तो आपको पूरा मीनिंग या डेफिनेशन इस ऑर्गेनाइजिंग का अच्छी तरह से याद रह जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इफ़ यू लाइक माई वर्क सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो।